हेलो एवरीवन, आई एम शशि झा। आई वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ चाणक्य क्लैट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लैट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि चाणक्य क्लैट क्लासेस आपको रेगुलर एक अपडेट, एक शॉर्ट टेक्निक, प्रॉपर एग्जाम गाइड आपको अवेलेबल करा रहा है। पर डे आप देख रहे हो कि रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश, लीगल सभी के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सेंटेंस जो आप समझ नहीं पाते हो। ऐसा भी होता है कि प्रेशर में आकर के, टाइम के प्रेशर में आकर के आप गलत अटेम्प्ट कर जाते हो, उसे आप पलक झपकते 100% श्योरिटी के साथ कर पाते हो। इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है चाणक्य क्लैट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर देना है। जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम नोटिफिकेशन गाइडलाइन प्रॉपर ऐसे वीडियो, ऐसे क्वेश्चन और टेक्निक आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, उन बच्चों को मैं बता दूँ जो घर बैठे लॉ एग्जाम, क्लैट, एलेट वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है। आपको पता है कि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि हमारे क्लास और हमारे टेस्ट सीरीज दोनों से आप जुड़ सकते हो, जो कि रेगुलर चल रहा है एक कम्बाइंड। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है और चाणक्य क्लैट क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। भाई इतनी बातें मैं बता रहा हूँ तो जिनको करना था उन्होंने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। देखो यार, यहाँ पर है इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई फिल इन द ब्लैंक डोनेट सम अमाउंट टू यू। फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन है, वुड रहेगा, तो मी रहेगा, आप कर सकते हो, हैव वुड हैव रहेगा। यहाँ पे है इफ आई हैड सीन यू आई फिल इन द ब्लैंक स्टॉप माई बाइक। कुछ बच्चे इसके हिंदी मीनिंग करते हैं तब जाके सॉल्व कर पाते हैं। ऐसा यार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है और आप इसे आराम से, आसानी से कर पाते हो। सेंटेंस देखो यार, नाम है कंडीशनल सेंटेंस। यार कंडीशनल सेंटेंस क्या है, जो कंडीशन क्रिएट करेगा, और कंडीशन कौन क्रिएट करता है, तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में इफ आपका कंडीशन क्रिएट करता है। कई दफा हैड भी क्रिएट कर देता है, लेकिन इफ तो आपका कंडीशन क्रिएट करता ही करता है। तो यानी सर इफ लगे रहेंगे तो जनरली सर हम समझ पाएंगे कि ये कंडीशन क्रिएट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कंडीशन है, एक तरफ कंडीशन, दूसरी तरफ रिजल्ट। क्या है भाई, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर क्या होगा भाई, अगर लॉट ऑफ मनी होगा, बहुत सारे धन हो जाएंगे तो क्या करेगा भाई, उसको दे देगा। लेकिन पहले मनी हो तब तो ये कंडीशन है ना, देगा, लेकिन जब होगा उसके पास तो। इतना हिंदी मीनिंग करना नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बता रहा हूँ। ऐसा है कि कभी भी कंडीशन आप बनाते हो तो उसका रिजल्ट कब आता है, ये नॉर्मली आप सोचो। आप नॉर्मली सोचोगे कि जब आप अगर कंडीशन बनाते हो तो उसका रिजल्ट, यानी कंडीशन तब होगा जब दो एक्शन हो, इसलिए इसको कंडीशनल क्लाउज भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे दो काम हो रहा है कि नहीं, पहला काम क्या, मनी होना, दूसरा डोनेट करना, यहाँ पर सी होना, फिर स्टॉप करना, तो दो एक्शन होंगे, दो काम होगा। अब है कि कैसा काम, तो भाई जो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तो कंडीशन है तो एक कंडीशन क्रिएट हो रहा है तो दूसरा रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिना रिजल्टेंट, बिना कंडीशन के रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता, बिना रिजल्टेंट के कंडीशन नहीं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। अब उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो यार इसके डिफरेंट टाइप है, कंडीशनल सेंटेंस के चार टाइप होते हैं। एक होता है आपका इफ क्लाउज इन प्रेजेंट टेंस। अब देखो यहाँ पर इफ क्लाउज से क्या नाम दिया, इसको मैंने बताया ना आपको कि इसको आप इफ क्लाउज प्रेजेंट टेंस कहते हो क्योंकि इसमें इफ लगा रहता है। मैंने बताया था कि इसके इफ टाइप आपको दिए रहेंगे, तो एक आता है इफ क्लाउज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस, इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट, और अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो फोर टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। फिलहाल जो सेंटेंस है ये दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा, इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस और एक होगा आपका इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट। तो बताया ना यार ये क्या होता है, कंडीशन आप क्रिएट करते हो कब के लिए, फ्यूचर के लिए, तो सर इसमें फ्यूचर लगा होना चाहिए। तो फ्यूचर के लिए तो हमें पढ़ा था सर क्या आता है, विल आता है। फ्यूचर के लिए क्या आता है, विल आता है। बट दिक्कत है सर विल आएगा, लेकिन सर पास्ट टेंस में तो विल नहीं आएगा, पास्ट के साथ विल नहीं आता, अब क्या करें सर। तो आप यहां पर विल की जगह वुड का यूज करोगे, किसका यूज करोगे,
वुड का यूज करते हैं, आप रील का यूज नहीं करते, आप वुड का यूज करते हो। तो यहाँ पर वुड का यूज आप करोगे, तो अब है कि सर वुड का यूज दोनों में होगा क्या, कैसे होगा? तो सबसे पहले सर आपको कंडीशन बताने के लिए इफ दिए रहे, पहला पॉइंट सीखो, चलो छोड़ के क्वेश्चन बन जाए। पहला कंडीशन सर इफ लगाना चाहिए, समझ गए, चलो ठीक है इफ लगाओ। दूसरा अब है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये इफ क्लाउज कौन से हैं। एक है इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस, इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस यानी आपका सिंपल पास्ट, और एक दूसरा जो आने वाला है वो है इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट, इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट, दो आएगा। अभी मैं पास्ट की बात करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और भी वीडियो मिलेंगे, वहां पे हम लोग प्रेजेंट और अदर टाइप्स की बात करेंगे। तो इफ क्लाउज इन पास्ट है सर, यानी इफ लगा रहेगा सर और पास्ट टेंस होगा, तो अगला में क्या करेंगे, तो आगे जो आपके रिजल्टेंट होंगे उसमें आपको उड लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले इफ आ गया सर, और नाम ही है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी सिंपल पास्ट, क्योंकि एक है इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस, इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट, दोनों में ध्यान रखना। इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस में आप सिंपल पास्ट का यूज करते हो, पास्ट परफेक्ट नहीं, तो साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे, क्या होता है सब्जेक्ट होता है, और आपको पता है वी टू इज द सिंबल ऑफ पास्ट टेंस, इसलिए सीधा लगा दो वी टू लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी, अब ये आगे भी चलता रहेगा, इसके साथ एक अदर सब्जेक्ट आएंगे, और साथ ही अब आपको क्या करना है, तो आपको पता है सर हमें उड लगाना है, क्या लगाना है उड लगाना है, और उड के बाद कौन आता है, उड के बाद बी वन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। सर उड के बाद बी वन क्यों आता है, अरे यार सेल विल वुड ये सब विल वुड ये सब क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल के बाद हमेशा ओनली बी वन लगाते हो आप, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बी वन आता है, इसलिए वुड के बाद विल के बाद हमेशा बी वन लगाते हैं, ये याद रखना। Shall, will, can, could, may, might ये सभी मॉडल वर्ब है, इनके साथ हमेशा बी वन लगाना है, बस ध्यान रखना। इसलिए सर यहाँ पर तो बी टू था जो कि पास्ट टेंस को बताता है, कौन सा इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस, तो इफ के साथ मैंने बी टू लगाया जो पास्ट टेंस बता रहा है, बट आगे आपने उड को लगाना है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में आगे फ्यूचर की सेंस देनी चाहिए, विल लगाते हैं उड लगाते हैं, तो विल का यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहाँ कर पाते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में हम उड का यूज करते हैं, इसलिए मैंने उड लिखा है। सर ये पास्ट परफेक्ट क्या हुआ, तो इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है इफ प्लस, अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो सर आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड आता है सर, उसके बाद बी थ्री आता है सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इतना तो क्लियर हो ही चुका हो। अब आगे क्या करते हो, एक और सब्जेक्ट दे देते हैं सर, अच्छा अब क्या करें, उड़ देते हैं, अरे यार अब उड़ नहीं दे सकते, उड़ देने के बाद अगर उड प्लस वी वन करोगे तो क्लियर यही हो जाएगा ना, सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो क्या करेंगे सर, तो परफेक्ट तो तब होता है ना सर जब हैज हैड हो, बिना हैज हैड के सर परफेक्ट हो नहीं सकता, और सर दूसरा परफेक्ट में हमेशा भीतरी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हमने दे दिया सर, अब क्या करना है, तो अब आप यहां पर वुड का यूज कर दो, क्योंकि हैव का यूज करोगे तो भीतरी देना वुड फिर आएगा नहीं, तो वुड दे दिया, अब वुड के बाद सर हैड नहीं दे सकते आप, क्योंकि हैड हैव का वी टू फॉर्म है, तो हम ऐसा करते हैं कि परफेक्ट भी बना रहे और मॉडल भी बना रहे, तो उड के बाद हैव यहां लेते हैं, हैव प्लस, अब जी मर्जी भीतरी दे दो प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना शैल विल और उड सब के साथ, कैन कुड विल के साथ, उड के साथ, एक मॉडल के साथ आप भी वन दे दो, उसके बाद आप भीतरी दे सकते, तो मैं यहां भी वन दिया हूं, हैव जो है वो भी वन है, अब मैं हैव के बाद भीतरी दिया हूं तो वो आप दे सकते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से मैं समझा दूं आपको, इफ क्लाउज इन सिंपल पास्ट का मतलब है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट और वुड और हैव देते हैं, क्योंकि वुड तो देना ही है पास्ट है तो, और हैव देना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट है, और परफेक्ट हैव हैज हैव के बाद हमेशा वी थ्री आता है। आ जाए
कहता है इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो यहां से इफ लगा हुआ था कंडीशनल सेंटेंस से, अब हैड लगा हुआ सर। अरे भाई हैड लगा हुआ ये भी तो देख लो कि हैड हेल्पिंग वर्ब आया या मेन वर्ब आया, क्योंकि हैड एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहां पर ऑक्सिलरी कौन होता है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, तो हैड यहां पर दोबारा एज अ मेन वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब रहता है तो उसके बाद वी थ्री होता जो आया नहीं। ये अकेला यहां वी टू का काम कर रहा, वी टू मतलब पास्ट टेंस, यानी सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला टेंस का आएगा, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आगे क्या देना है, सब्जेक्ट प्लस वुड, सर आई था वी वन भी था, क्या बचा आएगा भाई, वुड दे देना है। तो सेंटेंस हो जाएंगे इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड डोनेट सम अमाउंट टू यू। अब दूसरा वाला कहता है इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू, देखो यहां पर हैड है, अब यहां पर वी थ्री आया है, हैड प्लस वी थ्री, अब सर ये परफेक्ट हो गया, अब सर ये परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट में क्या लगाते हैं, वुड हैव लगाते हैं सर, वुड हैव प्लस वी थ्री। तो यहां पर आई के साथ में स्टॉप्ड है, ये वी थ्री है सर, तो यहां पर क्या करेंगे हम, वुड हैव करेंगे। समझ गए मेरे बच्चे। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे वीडियो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा अपने पास जुड़ सकते हो, इससे हमेशा आप अपने पास रख सकते हो, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।